अमेठी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला प्रशिक्षण वर्ग रामलीला मैदान जगदीशपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी द्वारा आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विजय बहादुर पाठक महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष, नम्रता चौरसिया क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी बनारस, बबीता तिवारी क्षेत्रीय महामंत्री काशी, डॉक्टर माधुरी सिंह, उमा सरोज और क्षेत्रीय भाजपाई महिलाएं मौजूद रहे। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने बताया कि आज हमने महिलाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे योजनाओं व कार्य के बारे में जानकारी दी है। आज अमेठी जिले का प्रशिक्षण वर्ग महिला मोर्चा का है, जिसका उद्घाटन सत्र समाप्त हो गया, जिसके मुख्य वक्ता माननीय विजय बहादुर पाठक जी, जिनका विषय था भाजपा का इतिहास विकास। दूसरा सत्र मेरा था, महिला कार्यकर्ता के समक्ष राजनीतिक एवं व्यक्तिगत चुनौतियां। संगठन की कार्य पद्धति, संगठन की रीति नीति, केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं योजनाएं एवं उपलब्धियां, इन सब विषयों पे इस प्रशिक्षण वर्ग में बताया जाएगा। तो ये एक दिवसीय कार्यक्रम था मैडम? जी, यह एक दिवसीय कार्यक्रम था, चार सत्र में यह कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, दो सत्र समाप्त हो गए हैं, उसके बाद भोजन, उसके बाद दो सत्र और चलेगा। इसमें हमारी क्षेत्रीय महामंत्री बबीता तिवारी जी और डॉक्टर माधवी सिंह अगला सत्र लेंगी और इस कार्यक्रम को शाम को समापन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।